हेलो वैशाली और प्रमोद, हाय हरीश दिस साइड, हाउ आर यू? प्रमोद कोलाटकर सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो बहुत लंबा छत्तीसगढ़ से आए आप? जी हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं सर। अच्छा अच्छा, तो हमें ऐसी इच्छा है आज कि आपकी गाड़ी हमें अच्छी लगी है, यानी जो सेटअप किया है आपने, जी जी, उसका थोड़ा हम गो थ्रू हो जाते हैं। बहुत सही सर। तो सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गाड़ी कौन सी है? सर ये मारुति स्टार, सुजुकी मारुति स्टार है। हाँ, और इसकी कैपेसिटी 1.5 है, मतलब हमने इसको 2007 में 2009 में लिया था इसको। अच्छा, और ये मेरी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, इसको बोलते हैं कि हम अपनी मम्मी के गोद में बैठे हैं, क्योंकि अच्छा, हमारी मम्मी जल्दी एक्सपायर हो गई थी। तो हम जब मैं इसको ड्राइव करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठ के बिल्कुल ड्राइव कर रहा हूं ऐसा। बहुत बढ़िया। तो हमने जब कैंपर वैन स्टार्ट करने का प्लान किया कि चलिए अब घूमने जाना कहीं जाए, तो उनको साथ में लेके चले और उनके साथ चले, ऐसा था हमारा। तो हमने इस पर सेटअप करना शुरू किया था। वेरी गुड जी। तो वैशाली, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सोचा होगा घूमने के लिए जी, लेकिन आपने किस तरह उनको साथ दिया? आई मीन आपको इच्छा हुई या आपको फोर्स किया गया, कैसा है मतलब? सर एक्चुअली पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, कैंपर वैन होती है और हम लोग इस तरह से घूमने जा सकते हैं, कम्युनिटी बन रही है, ऐसे कुछ पहले पता नहीं था। हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ से हमने पूरी के लिए 3 बार ट्रेन बुक की, लेकिन अक्सर वो पूरी ट्रेन ही रद्द होती गई। तो फिर हमको लगा कि हम पूरी जाए तो जाए कैसे, तो हमने सोचे कि बाय कार चलते हैं। तो फिर बाय कार चलते हैं तो इन्होंने सोचा कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन बच्चे भी हैं तो हम कैसे एक कुछ सुविधा करें कि सबको कंफर्ट हो। तो फिर इन्होंने कुछ वीडियोस देखने शुरू किए, तो फिर बस इन्होंने ही कुछ बताया हमको कि अरे ऐसे भी कुछ लाइफ जी रहे हैं लोग करके। तो बाकी ये बताएंगे इन्होंने कैसे देखे, कैसे शुरुआत। बाकी सर हमारे लिए तो अब एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोगों को देखकर ही हमने मोटिवेशन लिया पहले तो, और हमारे मार्गदर्शक बने विवेक जी जो कारवा भारत के जो हमारे हैं, हम उनको हमारे इस इंडस्ट्री के अभिषेक बच्चन के मतलब अमिताभ बच्चन कहते हैं, और रुचि मैम और दीपक जी हमारे सेकंड मतलब शाहरुख खान और काजोल बने हमारे। तो हमने ये सब चीज़ देखा, उसके बाद में हमने देखा कि जो ध्रुव भाई है वो हमारे आमिर खान बने इस इंडस्ट्री के, तो हमने उनको देखा कि इस तरीके से भी कुछ लाइफ लोग जी रहे हैं और इस तरीके से अपनी मतलब चलते फिरते भी पूरा सब कुछ किया जा रहा है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको बोला कि यार देख ज़्यादा खर्च नहीं होगा, अगर हम होटल में रुकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन इसको एक बार करेंगे तो हम कहीं भी और जा सकते हैं। अच्छा, तो पहले हमने वुडन वर्क में स्टार्ट किया, प्लाईवुड पे हमने स्टार्ट किया और पूरा सेटअप किया हमने अंदर में, मतलब कि जितना स्पेस, क्योंकि मैं बचपन से ही स्पेस यूटिलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ कि छोटे से छोटे स्पेस में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। राइट। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट किया कि स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे हो, और फिर हमने इसको डिज़ाइन किया। तो 2-3 स्टेप्स में हमने इसको डिज़ाइन किया है। पहला स्टेप हमने वुडन वर्क से पूरा हमने वर्क करवाया, जो प्लाईवुड का वर्क था वो हमने करवाया। इसमें किचन्स भी हमने डिज़ाइन किया, इसमें हमने हमारे क्लॉथ रखने के लिए भी हमने डिज़ाइन किया, गर्म कपड़े ठंडे कपड़े सारी चीज़ें किया ऐसा। सॉरी प्रमोद, आपने ये छोटी गाड़ी में क्यों सोचा और बड़ी बड़ी जो गाड़ी आती है 4x4 वगैरह में उसमें क्यों नहीं सोचा? आई मीन इसमें क्यों सोचा और उसमें क्यों नहीं सोचा? देखिए सर, मैंने जब सडनली जब हमने स्टार्ट किया कि पूरी घूमने जाना है, तो उस समय मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी को देखा, और बड़ी गाड़ियाँ लेना उस समय अफोर्डेबल नहीं था या उतना मतलब था ही नहीं कि हमें स्टार्ट करना है। और जनरली हमने देखा कि हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जो कार अवेलेबल है, क्या उसमें हम पहले कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इसको हम यूज्ड टू हो जाते हैं, थोड़ा हमको लगता है कि भाई हाँ हमको कैंपिंग सूट कर रहा है या हम उस लाइफ को जी सकते हैं, तो फिर हम बड़ी गाड़ी का प्लान करेंगे। और हमारे पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि बड़ी गाड़ी अगर हम ले लें उसके बाद में और उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं क्या, तो हमने पहले छोटी गाड़ी से शुरुआत की और जो है उससे स्टार्ट किया। हमारी फैमिली पूरी, हम चारों इसमें कंफर्टेबली आ जाते हैं। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितनी भी लोगों के पास छोटी गाड़ियाँ हैं ना, वो कम से कम एक बार स्टार्ट करें अपनी गाड़ी से, और उसके बाद प्लान करें कि और छोटे छोटे गैजेट्स के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। हमने 2 महीने का समय लिया और 2 महीने में हम काफ़ी सारे गैजेट्स को हमने कलेक्ट किया कि हमको क्या लग सकता है, और वो उसकी लिस्ट भी हमने डिज़ाइन की कि क्या होना चाहिए छोटी गाड़ियों के अंदर भी, कॉम्पैक्ट स्पेस है और कॉम्पैक्ट स्पेस में हमको क्या क्या चीज़ें रखनी और नहीं रखनी है, तो नहीं रखने को भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया हमने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। तो कैंपिंग करते हैं, ओवरलैंडिंग करते हैं, जो भी हम बोले ना जी, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो पानी जी, एक स्लीपिंग एरिया जी, एक पावर और एक फूड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि
पानी के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? सर पानी के लिए हमने जब फर्स्ट ट्रिप में गए थे तो हमने 20-20 लीटर्स के तीन मतलब कैन कैरी किए थे, पर उससे क्या हो रहा था कि हमारी जो गाड़ी का फोर्स जो था और बैलेंस था वो जा रहा था। अच्छा, तो हमने उड़ीसा की ट्रिप पे तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम जब वहां से आए तो सबसे पहले हमने पानी का ही सॉल्यूशन निकाला। राइट, ये 8 इंच के पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप्स हैं। इस पीवीसी पाइप्स को हमने प्रॉपरली यू शेप में किया, बीच में हमारा स्टेपनी आ गया और बाकी के जो चीजें आती हैं वो हमने यहाँ पे रख लिया है। और एक यू शेप का ये पूरा हमें पाइप डिजाइन किया। इसके अंदर में एक टुल्लू पंप है जो बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत सारे मैंने पंप्स ट्राई किए लेकिन वो सूटेबल नहीं है। अच्छा, अच्छा। इससे बेटर हमने यहाँ पे एक एयर प्रेशर करके हमने टुल्लू पंप लगाया जो कूलर में लगता है बेसिकली, और उसको हमको डीसी से ही चलाना पड़ेगा। अच्छा। तो डीसी मोटर का हमने कनेक्शन ले दिया यहाँ पर, तो डीसी का मोटर के यहाँ पर एक पंप प्रेशर तैयार हो जाता है। अच्छा। और एक ही बार आपको मोटर चालू करना पड़ता है सिर्फ प्रेशर तैयार करने के लिए। अच्छा अच्छा। आफ्टर दैट आप यहाँ से बहुत ही इजी वे से ये देखिए ये बिना मोटर चालू किए प्रेशर से इतना पानी जो अपने को वॉश करने के लिए है ना स्टील अपने को वॉश करने के लिए पानी आ जाता है। अगर अपने को शावर लेना है तो आप उसे मोटर चालू करेंगे और उसके बाद ये फोर्सफुली आएगा। अच्छा, तो ये दोनों चीजों के लिए हमने इसको प्रॉपरली किया। ये सेकंड ट्रिप में हमने डिजाइन किया था, फर्स्ट ट्रिप में तो हमने 20 लीटर्स की टंकी लेकर ही हम लोग जो कैन आते हैं वाटर बॉटल्स आते हैं उससे स्टार्ट कर लिया था हमने। फिर वहां से आने के बाद जब हम महाराष्ट्र ट्रिप के लिए निकल रहे थे तो मैंने इसको डिजाइन किया। अच्छा, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी सर 35 लीटर है टोटल। अच्छा, इसमें आराम से हमारे दो दिन निकल जाते हैं हमारे। और पानी भरने की व्यवस्था यहाँ से अच्छा। यही से मोटर भी लगा हुआ है और यही से आपका इसके अंदर मोटर है। ये लोग टुल्लू पंप बोलते हैं जो अपने कूलर्स में लगते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गई पानी की व्यवस्था जी। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये शायद आपका ही टेंट होगा। मेरा टेंट है ये। तो सोने की व्यवस्था इस टेंट में करते हैं या अंदर सोते हैं आप लोग? डिपेंड ऑन कि मौसम कैसा है। अगर हमको अगर अंदर सोना है तो हमने अंदर भी व्यवस्था की हुई है। हाँ जी। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये पूरा का पूरा हमारे अंदर की व्यवस्था है। हाँ जी। यहाँ पर हमारा फोम का एक बैग ये बनवाया, गद्दा बनवाया हमने। हाँ। और उसको हम यहाँ से निकाल के उधर शिफ्ट कर लेते हैं अगर हमको टेंट में लेना है। अच्छा। तो मल्टीपल यूज हमने किया ताकि बच्चे जब हमारे साथ ट्रैवल करें तो आराम से कंफर्टेबली इसमें ये लेट कर या बैठ कर आराम से ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। right, यहाँ पे भी हम लोग चारों सो जाते हैं। थोड़ा बेटा भी बड़ा हो गया इसलिए तीन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। छोटा अगर किसी का बच्चा है और दो हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको हम सोने के लिए और क्या किए कि इसके आगे थोड़ा सा हम इसको टिल कर लेते हैं। ये लगभग 5.5 फीट का है, मेरी हाइट जो है 5.5 फीट की हाइट है। अच्छा। तो इस तरीके से ये 5.5 फीट तक का पूरा शेप में आ जाता है। ये यहाँ से ये देखिए नहीं ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे पीस पीस में ही हमने क्या किए हैं गद्दे बनवाए हुए हैं जो सोफे के जो गद्दे होते हैं उस तरीके से हमने पीस पीस में इसको डिजाइन किया है जिससे इधर मैं सो जाता हूँ और उस तरफ में वैशाली क्रॉस करके हम लोग सोते हैं और बीच में बच्चों को ले लेते हैं। राइट, इसमें आराम से हो जाता है, मतलब नींद अच्छी आ जाती है, कोई डिफिकल्टी नहीं। ठंड के समय में तो आ जाएगी, गर्मी में थोड़ी सी तकलीफ हुई, हमको एसी चला के सोना पड़ा। गर्मी में फिर बाहर करते हैं। बाहर करते हैं फिर हम। अच्छा, तो ये हो गई एक आपकी गाड़ी के अंदर सोने की व्यवस्था। राइट जी। और बाहर भी ये टेंट जो लगा है, ये टेंट लगा हुआ है हमारा। अच्छा, तो इसका भी उपयोग करते हैं? इसका भी उपयोग करते हैं हम लोग। और ये कल देखा था कि इसके ऊपर अपना टैप भी लगाया, टैप भी लगाया हुआ था इसमें, ताकि क्या है ना ओस के कारण के हम लोग को डबल लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये क्या ऑल वेदर है लिखा लेकिन फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ ही जा रहा था, मतलब वाटर अंदर आ ही जा रहा था। अच्छा, अंदर आ रहा। हाँ, तो हमने ये डबल लेयर टाट लगा लिया था और उसके ऊपर में हमने कर लिया। तो इससे दो चीजें होती है कि हम बाहर भी बैठे हैं तो हमारा प्रीमाइसेस थोड़ा बड़ा हो गया है ना, और जो सनलाइट आ रही है मतलब आफ्टरनून में भी तो वो भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है वो। राइट, तो ये हो गई आपकी सोने की व्यवस्था जी। अब हम कुकिंग पे चलते हैं जी। जी, तो कुकिंग सर अगर कहते हैं कि कुकिंग अगर जेंट्स बताए तो वो घर पे खाना बनाता है ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा, ऐसा कारण मैं नहीं बताऊंगा, वो मैडम ही बताए तो ज्यादा अच्छा है, वो उसका डिपार्टमेंट है। मैम ये हमारा किचन एरिया है, ये जो एक साइड बनाए हैं हमने बैक साइड, ये पूरा हमने किचन के लिए बनाए हैं। ये इस तरह से ऐसा फोल्ड हो जाता है और उसके बाद ये हमारे गैस सिगड़ी है, इसका जो कनेक्शन है ये वहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है ऑलरेडी जॉइंट है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये सिलेंडर रखा हुआ है और पाइप ऑलरेडी इसमें से लगा हुआ है, तो हमको बार बार लगाना या निकालना नहीं पड़ता। ये सीधा कनेक्शन जो है ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है, इसको सिर्फ हमको यहाँ से ऊपर लेना होता है, इसको सिर्फ ऊपर लेना होता है तो ये तुरंत रेडी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ऊपर इंस्टेंटली, बस इसको ऊपर लिए
और तुरंत हम इस पर अपना जो भी बनाना है वो शुरू कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में हमने इस तरह के कुछ छोटे बर्तन लिए थे, ये जो देख रहे हैं आप, ये सेट है छोटे बर्तनों का। इसमें चाय बनाने के लिए केटली है और दो बर्तन है, एक पैन और वो भी हम शेयर कर देंगे आपके लिंक पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटे बर्तन है। एक और चीज हमने किया है इसमें, आपको दिखाते हैं, और लाइए ताकि वॉश करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होता है लोगों को। हाँ। बैठ के तो वॉश नहीं किया जा सकता अभी। अटैचमेंट रखा है। एक उनको और एक नट, दो नट लगा। हाँ, सिर्फ दो नट। अच्छा, ये दो नट लगा कि ये रेडी हो जाए। तो वो वहाँ से सप्लाई भी हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा, वो वाला जो पीछे शावर का, जो शावर का जो ये है। अच्छा, वो हमने क्या भी इस तरह से यहाँ आ जाता है। ओह, वेरी गुड। हाँ, पानी शुरू। तो मुझे ये बताइए कि इस पानी से आप सब करते, तो यहाँ से जो पानी निकलता है उसका आप डिस्पोजल कैसे करते हैं? उसका भी हमारे पास व्यवस्था है। यहाँ से अगर आप देखें, ये हमको यहाँ पे एक छोटा सा आउटलेट हम यहाँ लगा देते हैं, ब्लैक वाटर या इस तरीके से हम करके, या इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। यानी कि आपने कोई कंटेनर में इकट्ठा किया पानी, गंदा पानी, और उसको डिस्पोज कर देंगे ऐसी जगह जहाँ किसी को तकलीफ ना हो। वेरी गुड। तो दोस्तों, देखा आपने, डिस्पोजिंग कैंपिंग में डिस्पोजिंग करना बहुत ही महत्व चीज़ है। चाहे आपका पैकेजिंग निकले या पानी निकले, उसको सेंसिबली डिस्पोज कीजिए प्लीज़। की और खाना बनाने की, राइट? तो आप लोग छत्तीसगढ़ से है, राइट? तो आपका, आपकी मतलब खाने की स्पेशलिटी क्या रहती है? घर में अलग होगी, लेकिन कैंपिंग में क्या रहती है खास करके? कैंपिंग में हम लोग जनरली ऐसे फूड अलाउ करते हैं अपने आप के लिए, तो कि इजी कुक हो जाए, फास्ट बन जाए। जैसे कि सोयाबीन की बड़ी है, या फिर एग हम लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशल है कि बहुत जल्दी से अगर हमको क्विक अगर ब्रेकफास्ट बनाना है, सिर्फ रवा, नो नो नो, सिर्फ रवे में मैंने नमक मिक्स किया था। अच्छा। हाँ, और उसको एक 5 मिनट का रेस्ट दी, उतने में वो हो गया था। एग मैंने पहले डोसा बना ली, जब मुझे लगा कि एक क्रंची हो गया है मेरे खाने लायक, तो मैंने ऊपर से लेयर दे दी उसको। और दोनों भी कर सकते हैं, मतलब आप डाल रेसिपी आ गई जी। ऐसा। अच्छा, देखिए फ्रेंड, छोटी गाड़ी है, लेकिन इसमें हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं, उसका खाने पीने का सब इंतजाम और काफी अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी गाड़ी है और आप भी कैंपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन लेडीज का मेन क्वेश्चन ये होता है कि भाई बर्तन क्या ले जाए, क्या पकाए। तो आपने इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ कैंप रेसिपी बताई थी, इन्होंने भी एक बताई। अब इसी से पूछते हैं कि ये कौन कौन से बर्तन कैरी करते हैं अपने साथ, तो लगभग सारे नीड हमारे खाने की पूरी हो सकती है। वैशाली, तो आप अपने साथ कौन कौन से बर्तन कैरी करती है, तो वो किस किस चीज़ में यूज, जैसे कि इंडियन खाना सब एक्चुअली हर स्टेट में लगभग सही एक सेम ही होता है, तो इससे उनको भी हेल्प मिलेगी, हमारे फॉलोवर को भी। देखिए, देखा जाए तो सबसे मेन है कुकर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट बन जाती है, गैस की बचत होती है, चाहे पानी गर्म करना हो इसमें बिना सिटी का पानी गर्म कर दीजिए, एकदम जल्दी हो जाता है। एग बॉईल करना हो, पुलाव बनाना हो, या फिर हम कुछ पफिंग वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो कुकर का मल्टीपल यूज़ हम कर सकते हैं। दूसरा है, ये हमने जो एक सेट लिया था ये बहुत ही यूजेबल सेट है, क्योंकि हमारे पास एक केटली है जिसमें हम चाय है, मैगी है, दूध है, ये इसमें भी मल्टीपल चीजें हम यूज कर सकते हैं, इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। उसके बाद अमेज़न में मिल जाता है इजीली। ये एक पैन है जिसमें कल मैंने डोसा बनाई थी, आज भी ऑमलेट बनाई थी, रोटी सेक सकते हैं या फिर सब्जी बघार सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, ये मल्टीपर्पज यूज है। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा बर्तन है जिसको हम सब्जी बघारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इतने बर्तन जो आपको दिख रहे हैं, हमने फर्स्ट ट्रिप में इतना ही लिए थे, और ये हमारे 4 जने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई ज्यादा बर्तन लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 ग्लास ले लिए और जितने पर्सन है उतनी प्लेट्स, उतने प्लेट्स ले लिए, जितने हमने प्लेट्स ले लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, आप रखना चाहें तो बहुत सारी चीजें रखें। लेडीज को क्या होता है ना कि बर्तन बहुत लगते हैं,
लेकिन हमने इसको डिजाइन ऐसा किया और वैशाली को ये कहा गया कि कम से कम चीजों को लेके जाना है, तो हमने सबसे पहले ये लिस्ट बनाई कि क्या नहीं लेके जाना है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था कि क्या नहीं लेके जाना है, क्योंकि हम रखना चाहें तो बहुत कुछ रखते हैं, तो हमने पहले एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या हमने लेके जाना है, तो हमने पूरा लिस्ट बना लिया, ये सब जा सकता है, लेकिन इसके बगैर भी हमारा काम हो सकता है, उस लिस्ट को हमने पहले कट किया और वो चीजों को हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया। हाँ। वो चीजें बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं ले जाने और क्यों? देखिए क्या होता है, जैसे कि इडली मेकर है या फिर उत्तपम मेकर है या इस तरीके से बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है कि नहीं यार हम लोग वहाँ इडली भी बना लेंगे, वहाँ पे हम लोग अप्पे भी बना लेंगे और कुछ कर लेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें शौक से हम कर सकते हैं लेकिन ये जगह बहुत लेती है। हाँ हाँ। और उसका अल्टरनेटिव हमने क्या किया कि ऐसे छोटे कुकर्स हैं, उस कुकर्स में हमने इडली भी बनाया है। अच्छा, तो वो सारी चीजें ग्लासेस में करके हमने इडली बनाया उसको हम, क्योंकि देखिए आपको इंटेक्ट आपको खाना ही है, उसका शेप इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप कितने अच्छे से उसको डेकोर कर सकते, तो हमने ग्लास के अंदर भी हमने इडली बनाया था। अच्छा, हाँ इडली जी दो ग्लास में डाल के हमने कुकर में डाल दिया, तो बैटर वही है और वो आइस जी, और उसको हमने बीच से ये कट के तो चार पीसेस करके हमने उसको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हमने उसको खाया था। तो वो ये इनोवेशन अपने आप आता है जब आपके पास में कम संसाधन होते हैं, तो ऐसा है। उसके बाद में हमारे पास में देखिए मसाले का जो है कि बहुत ज़्यादा लगता है कि हम लोगों को बहुत सारा मसाला लेके चलना चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मसाले हैं हमने सिर्फ उतने को ही कैरी किया और छोटा सा किया। इसके अलावा हमारे पास में इसका एक रिफिलिंग है जो हमने कैरी बैग्स में उसको अंदर में हमने रख दिया है, तो बाकी के जो पैकेट्स वाले जो आइटम्स हैं वो हमने एक बैग में अलग से रखा है जो लगता है, और उसके बाद में जो हमको रेगुलर लगता है वो हमने एक छोटे से सैशे में अपने मिर्ची है 8 दिन चल जाता है। ये 1 वीक, हाँ एक हफ्ता आराम से चल जाता है हमारा टोटल, भी मिलता रहेगा जी, तो मिलता रहता है जी जी, ये तो रिफिल करते आप चल सकते हो के बाद ये 7-8 दिन आराम से चलता है। हाँ, मतलब आपको बार बार वो सब चीजों को निकालना नहीं पड़ता कि अंदर से और सारी चीजें निकालनी है आपको। उसके बाद में हमारे पास में 3 चीजें मेन होनी चाहिए, एक तो राइस होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक 1 kg का 1.5 kg का हमने ये रखा क्योंकि हम थोड़ा राइस ज्यादा यूज करते हैं राइस, और ये आपका जो पोहे है तो इस तरीके से है। उसके बाद में एग के लिए हमने एक एग्स बॉक्स हमने मंगवा लिया था और ये बहुत अच्छा है, मतलब हमने 300-600 किलोमीटर भी हमने ड्राइव किया तो भी हमारा ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हाँ जी, तो इस तरीके से छोटे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बाहर के पानी का मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से हमने वाटर टैंक ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमने यहाँ डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो वो ऊपर वाला जो है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये वाटर टैंक है जो, हाँ, जिसके लिए देखिए क्या होता है बहुत सारे बॉटल्स हम लोग लेके कैरी करते हैं, तो हमने क्या किया इसका आउटलेट ये पाइप यहाँ से हमने रख लिया है। अच्छा, आउटलेट जी, तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है, एक बॉटल में हमारा काम हो गया, तो बहुत सारे बॉटल्स को लेके चलने की जरूरत नहीं, इसको इमीडिएटली आप रिफिल कर सकते हैं यहाँ से। अभी हमारा एम्प्टी हो गया है वो, तो वो एम्प्टी होने के कारण हमको बाहर से करना पड़ा, तो ये 15 लीटर का ये वाला। अच्छा, 15 लीटर का जी, तो ये 15 लीटर में आपका यहाँ पे आ जाता है ये पूरा। तो आप वो ऊपर वाला जो सेटअप आपने दिखाया अभी, एक बार वहाँ लेके आइए जी। ये कहाँ से लिया आपने? ये भी अमेजोन से। अमेजोन से और बहुत 1200-1300 रुपए का है। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये। अच्छा, ये टैंक को आप रिफिल कैसे करते हैं? यहाँ पर रिफिल करने के लिए हमने एक चारी बनाई हुई है। अच्छा। ये चारी को यहाँ पे हमारा एक रिफिल का जिसका ये नोजल लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये एक नोजल है। अच्छा, थोड़ा उल्टा हो गया है वो जी, ये देखिए। हाँ, ये पानी आया। हाँ। मतलब वो उल्टा हो गया था, ये इस तरीके से पानी निकलता रहता है, पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करते। हाँ। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा फनल है, ये आप इस पे लगा दोगे और जी, तो ये देखिए ये यहाँ से निकाल के वो उसको उसमें डाल दिए। ये बहुत इजीली जो एयर प्रेशर के लिए जो स्विचेस मिलते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये दिखाइए आप लोगों को, ये देखिए। हाँ, तो हमने बहुत बहुत ही इजी वे से इसको डिजाइन किया और इसको हमको यहाँ पे जस्ट पुश करना है। हाँ, और यहाँ से हमको भर देना है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये टंकी आपने बनवाई क्या? हाँ, मैंने खुद इसको बनाया है। और ये मेटल कौन सा है? ये अपने नॉर्मल जो पाइप्स लगते हैं, जो पीवीसी पाइप्स होती है। हाँ, जो बड़ी वाली जो पाइप्स आती है वो ही है। अच्छा, दोनों तरफ मैंने एन कैप लगा दिया। अच्छा, तो ये बन गया और सील कर दिया, सील कर दिया उसको, लीक प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत इजी टू कैरी भी हो जाता है और बार बार आपको टेंशन नहीं लेना है कि अब पानी लीक हो रहा है या कुछ सब्जेक्ट्स है। तो ये इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 15 लीटर। 15 लीटर आप बड़ा भी बना सकते हैं। हाँ, हाँ। मेरे पास में क्या स्पेस उसको डालने के लिए कम था। हाँ। तो इसलिए मैंने उसको 15 लीटर के बनाया
आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं अगर ज्यादा बड़ी फैमिली है तो। पहले तो आप अपने कार का स्पेस क्या है उसको माप लीजिए, वो देखना चाहिए। के बाद में आप अपने और फिर आपकी नीड क्या है। जी जी, पहले जगह को माप लीजिए कार में कितना किस जगह, और उसका बेस ना बनाते हुए आप उन्हीं चीजों को यूज कीजिए, उनके बेस को यूज कीजिए कार के। अभी हमने एक मैडम और एक स्पेशल हमने क्या किया, पहले हमने इसका वुडन वर्क किया था। अच्छा, तो पूरा प्लाई से है ये, पूरा पार्टीशन था नीचे भी, तो मेरी गाड़ी का वेट हो गया था अपार्ट फ्रॉम ये 120 किलो। तो हम लोग विशाखापट्टनम के लिए हम लोग हिल स्टेशन में नहीं जा पाए क्योंकि मेरी गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही थी। अच्छा, तो हमने वहां से आने के बाद में क्या किया कि पूरा वुडन वर्क निकाल दिया। हाँ। और ये एस एस के पाइप्स पे हमने पूरा वर्क किया। अच्छा, अगर आप उसका हाँ, हाँ, अच्छा, पूरा फ्रेम का वर्क हमने किया है, ये इसका फ्रेम बना ये पूरा पूरा। हाँ, और ये जो पार्टीशन है ये फाइबर फ्रेम बोर्ड ये है, फाइबर का है ये और वाले। हाँ, ये स्टिकर्स हमने इससे, ये जो इंडस्ट्रियल जो डबल टेप होता है उससे इसको प्लेस किया जिससे ग्लासेस डबल टेप से चिपक जाता है। जी, तो ये देखिए अभी इतना मजबूत हो गया ना। हाँ, और गाड़ी का वेट सारे उसमें पड़े रहते हैं, कपड़े आ गए, आपके सारे चीजें यहाँ पर ऐसे आ गई है। यहाँ पे बोतल कुर्सी कुर्सियाँ रखने के लिए पूरी लंबी चीजें यहाँ आ गई आपकी, यहाँ पे हमारे बच्चों और हमारे सबके कपड़े आ गए, कपड़े आ गए एक इसमें। तो ये इतनी वेट लेके चल रहे थे, अब ये सिर्फ 35 kg पे है। ओह वेरी गुड, बहुत ही फर्क है, मतलब बहुत ही फर्क उसमें है। हम एक्चुअल में ये प्लाई भी है और थोड़ा वेटलेस कर सकते थे, हम इसका वेट और कम कर सकते थे, लेकिन ये पहले से हमारे पास में बन गया था। अदरवाइज इसको भी बहुत इजी से, और ये मेरे ख्याल से 20 किलो के बजट में काम आ जाएगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रॉपरली मतलब गाड़ी इजीली चल रही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है ना, अगर आप देखेंगे इसको हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, और हमेशा मैं लोगों को कहूंगा कि आप जो सिलेंडर है ना उसको स्पेस दीजिए। अच्छा, आप इसको बहुत अच्छे से स्पेस दीजिए ताकि ये सबसे रिस्की होता है। हाँ। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप उसको ऑफ कर दीजिए, मतलब रेगुलेटर को आप बाहर निकाल दीजिए और कैप लगा के ही ट्रैवल कीजिए। अच्छा अच्छा, तो ये सेफ्टी जो फीचर है वो बिल्कुल आप हाईलाइट कीजिए इस चीज को। और जब भी हमको रिफिल करना होता है यहाँ से, हम इसको अगर बाहर भी रखना चाहते हैं खाने के लिए, तो हमको पूरा चीज नहीं निकालना है, हमको जस्ट ये पुल करना है। ये पुल करके हमने निकाला और यहाँ से सिलेंडर बाहर आ जाता है। अच्छा, तो कोई भी सामान हमने अगर रखा है ऊपर में तो भी डिस्टर्ब नहीं होता वो। ऐसे अच्छा, अभी शायद आपको मालूम तो होगा कि ब्लास्ट प्रूफ एलपीजी गैस सिलेंडर्स निकले हैं, वो साइज वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। अच्छा, नहीं हो पा रही, वो जो है वो काफी बड़े साइज पे आ रहा है, छोटे साइज पे अभी सिर्फ यही आ रहा है। नहीं, 5 kg का निकला है, साइज पे नहीं आ पा रहा। अच्छा, फिर भी नहीं बैठ रहा है अंदर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने ऐसे ही, हम जब बात कर रहे थे आपने बताया था आप लोग भी यूट्यूबर है। जी, आपकी खुद की चैनल है। जी जी, तो आप चैनल का नाम बताइए हमारे दर्शकों को प्लीज। हमारी चैनल का नाम है मस्त ज्ञान सोर्स। ये हमने चैनल बनाया था बच्चों के साथ भी एंटरटेन करते हुए, जो वीडियोस बनती हैं वो हमारे मेमोरेबल चीज़ों को हम वहाँ पे स्टोर करके रखे ताकि कभी भी हमको कहीं से भी उसको एक्सेस करके देखें। अब लोग ने वहाँ से प्यार देना लगे और लोग वहाँ पे भी आकर देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया करके। बनाया तो हमने अपने लिए था छोटा सा, कि हम बच्चों के साथ कभी भी जाते हैं तो देखते हैं करके। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए मस्त ज्ञान सोर्स। तो दोस्तों, मस्त ज्ञान सोर्स इनकी यूट्यूब चैनल है, और हम उसमें नाम लिखेंगे, लेकिन आपको इनको साथ देना ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें एक बेल आइकन होता है, उसमें बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछूंगा आपको कि अभी आप
तो उनकी बैटरीज होती होगी, आपके मोबाइल्स की बैटरी होगी, और भी कुछ अगर हो आपके पास, तो उसका पावर सोर्स का कैसे करते हैं, मतलब गाड़ी की बैटरी इस्तेमाल करते हैं या आपने अलग लगाया है? जी हमारे पास में ना ये एक सरोदा का हमने एक जनरेटर कम और इस तरीके का एक लिया हुआ है, इस पर मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाता है और दो दिन तक हम लोग प्रॉपरली लैपटॉप है, बाकी गैजेट्स है हमारे, और ये काफ़ी थोड़ा कॉस्टली है नए स्टार्टअप करने के लिए, थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ये 22,000 का है। तो हमने इसको सेकंड ट्रिप में अभी लिया, पहले हम क्या करते थे हमारी कार से ही कर लेते थे, जब हम रन मोड में रहते थे तो उससे कर लेते थे, ये सोलर से भी चार्ज हो जाता है, ये अपने पावर से भी चार्ज हो जाता है और अपनी गाड़ी से भी अल्टरनेटिव करें इससे भी चार्ज हो जाता है ये। तो इसके ऊपर आप फैन भी चला सकते हैं? फैन भी चला सकते हैं, टीवी भी चला सकते हैं, अच्छा लैपटॉप भी चला सकते हैं। कितना आउटपुट देता है? मैम इसको तो अभी जस्ट मैंने कल ही इसको लिया है, दो तीन दिन, अभी फर्स्ट ट्रिप है इसका, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया कि क्या क्या बैकअप कितना दे रहा है क्या है, क्योंकि इस ट्रिप से निकलने से पहले ही आया ये। अच्छा ऐसा जी, लेकिन आपने ट्राई कर लिया? ट्राई कर लिया, दो दिन तक तो इसको हमको चार्ज करना नहीं पड़ा, अभी भी अगर आप इस पे देखेंगे हम दो दिन से लगे हुए, सिर्फ 50% बैटरी अभी इसकी गई हुई है। अच्छा डीसी एसी दोनों है इसमें। कितने पावर स्टोर करता है? 200 इसका ये इसमें है कैपेसिटी का, इसमें किया हुआ है। हाँ 200 आई थिंक सो, आई डोंट नो। तो चलिए बात हो गई पानी की, सोने की, कुकिंग की और पावर की। अब एक प्रश्न ऐसा है मैं पूछना चाहूंगा आपको कि ट्रैवलिंग के दरमियान आपको कोई ऐसी चीज का सामना करना पड़ा हो और उसको कैसे आपने रिजोल्व किया, वो जरा बताइए दर्शकों को। हाँ तो ऐसा है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जैसा आपने क्वेश्चन किया कि ट्रैवल करते समय आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हमें दो चैलेंजेस हमने फेस किए थे। फर्स्ट, आप जब जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है इतना लोड होने के कारण, तो आप हमेशा ट्यूब टायर को प्रॉपरली चेक करके निकलिए, कूलेंट चेक करके निकलिए, गाड़ी को सर्विस करके निकलिए। तो ये करके ही हम निकलते हैं, कभी भी हमको ट्रिप में निकलना है तो हम बेसिक सर्विसिंग चेक करवाते हैं, कूलिंग वूलिंग सारा कुछ चेक करवाते हैं, एयर प्रेशर चेक करवाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। दूसरी चीज़, कुछ आप अपने लिए टूल्स रखिए ताकि कोई अगर आए तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो हमें, जैसे हम लोग उड़ीसा में थे तो वहाँ पे हमें जंगली हाथी का भी हम लोग ने देखा, तो अच्छा। जिस प्रिमाइसेस पे हम लोग थे वहाँ तो करंट का फ्लो था, लेकिन अगर उस हम प्रिमाइसेस पे नहीं होते तो हमें जंगली हाथी का भी सामना करना पड़ता। अच्छा जी, तो ये भी हमने देखा कि हम लोग उड़ीसा में जब गए तो बड़ा मज़ा आया उस चीज़ को, लेकिन हम प्रिमाइसेस सेफ प्रिमाइसेस में थे, तो हमारा ये है कि आप किसी भी प्रिमाइसेस में ही रहें। जितना हो सके शांत रहें। आप जितना शांत रहेंगे क्योंकि वो आपको तभी हार्म करेगा जब आप उनको हार्म करेंगे। पैनिक नहीं होना है आपको, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो अभी जैसे आपकी गाड़ी में आपने एलपीजी गैस रखा है, कुकिंग भी यहाँ बाहर होती है, मतलब तकरीबन अंदर ही बोल सकते हैं जी, तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखा है गाड़ी में? फायर एक्सटेंशन रखा हुआ है, पेपर स्प्रे रखे हुए, कुछ इस तरीके से इंटेंड होता है, तो ये चीज, हाँ ये सारी चीजें हैं। कुछ औजार भी रखने पड़ते हैं, मतलब चाकू और इस तरीके से कुछ पेपर स्प्रे है। फायर एक्सटेंशन भी हम लोगों ने अंदर में ही रखा हुआ है, मतलब ऊपर में रखा हुआ है हमारा, ऐसा जी। तो दोस्तों ये जो चीज है ना फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो फर्स्ट एड बॉक्स और एक फायर एक्सटिंग्विशर। लोग लेके रख तो लेते हैं लेकिन साथ में जाने वाले को कभी बताते नहीं कहाँ पर है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सबको गाड़ी में जितने भी लोग सवारी कर रहे हैं उन सबको मालूम होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब इतनी बातें हो गई, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सुबह शौच कैसे, शौच जाने के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? एक एनिमल विसल है, अगर एनिमल्स आते हैं ना तो ये एक विसल अलग तरीके की विसल है, और ये आप SOS विसल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये मोस्टली आर्मी के पास में या पुलिस वालों के पास में ये सेफ्टी के पर्पज से रहता है, अगर आप इसको विसल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो पहले वो गोल आती थी जी, ये थोड़ी अलग है, अब वो रिंग अलग करती थी, तो ये इससे ना एनिमल्स और ये भी थोड़ा सा दूर रहते हैं। हाँ। तो ये इस तरीके का आप एक विसल लेके रखें और ये इसको ऐसे एक्सेस में रखें ताकि ये बहुत इजीली आपको एक्सेस हो पाए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सबको मालूम होना चाहिए क्या चीज कहाँ है और कैसे उपयोग करना है जी। तो हम बात कर रहे थे सुबह शौच जाने की या दिन में कभी भी मतलब जाना हो इस्तेमाल करना हो, खास करके थोड़ा गंदा हो गया उधर। हाँ ठीक है, तो खास करके
जो मुश्किल होती है वो लेडीज़ को होती है। तो इन्होंने ये व्यवस्था की, ये टेंट है जिसका आप डबल पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सुबह शौच जाना हो या फिर शावर लेना हो या ड्रेस चेंज करना है। हाँ, ड्रेस चेंज करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने आपने व्यवस्था कौन सी की है, मतलब पीठ खोद के किया है? खोद के नहीं सर, हमारे पास में इसके लिए बहुत ही इजी और कॉम्पैक्ट इलाज मिला इसका हमको अमेजोन से। हाँ, और ये बहुत ही, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके का बैग होते हैं, इस बैग को हम अंदर रख देते हैं। हाँ, और ये बैग को रखने के बाद इसको हम पिट करके फिर उस बैग को वहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं। तो उसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह डालते हैं? केमिकल्स है हमारे पास। अच्छा, वो डालते हैं इसके अंदर। वो डालने की वजह क्या है? स्मेल नहीं करना, स्मेल नहीं करना है, और बाकी फिर चीजों भी होती है जिससे बाकियों को तकलीफ ना हो। हाँ, ऐसा जो उसके गंदगी के कारण जो प्रॉब्लम आती है, सारी चीजें मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। वो लिस्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जितने भी लगभग मैंने 110 आइटम्स मंगाए हैं अमेजोन से 2 महीनों में। अच्छा। तो हमने पूरा रिसर्च किया कि हम जाएं तो क्या लेकर जाएं, कैसे लेके जाएं, और 110 आइटम्स है मेरे, वो 110 आइटम्स की हमने वहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखी हुई है। तो मैं समझता हूँ तकरीबन सब कुछ कवर हो गया होगा। सब कुछ कवर हो गया, राइट। तो अभी तक एक मतलब शॉर्ट में आप बताइए लोगों को, हमारे प्रेक्षकों को, कि अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम के आए हैं जी इस गाड़ी में? जी हम लोगों ने मई में स्टार्ट किया था इस गाड़ी को बनाना, अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था, और मई में हम लोग बहुत कड़कती धूप में हम लोग गए थे। पूरा उड़ीसा ट्रिप हमने किया, उड़ीसा ट्रिप पे हमने संबलपुर के बाद में मतलब कोणार्क और ये सब करते हुए हम लोग उड़ीसा पहुँचे, मतलब पूरी जगन्नाथ पुरी गए। वहाँ से हम लोग चिल्का लेक की तरफ हम लोग गए, और फिर वहाँ से हम विशाखापट्टनम की तरफ जब निकल रहे थे तो हमारी गाड़ी ने थोड़ा सा हमें साथ नहीं दिया, नहीं तो हम विशाखापट्टनम भी कवर करते। क्या हुआ था? वही बताया ना कि उस समय हमारा काफ़ी ज़्यादा लोड था। अच्छा, 120 केजी का लोड था हमारी गाड़ी पे, तो हम ऊपर हिल स्टेशन पे नहीं जा पाए, और वापस हम जब रिटर्न आए तो सबसे पहले हमने वहीं सारी चीज़ों को जो हमने नोटिस किया था कि क्या दिक्कतें आई हैं, उस चीज़ों को हमने ओवरकम किया। फिर सेकेंड हम लोगों ने जून में हम लोग पूरा वर्क किया, हम लोग मतलब मेरा ऑफिस पुणे में है, तो हम दुर्ग से पुणे पूरा हम गए और वापस, फिर दुर्ग से मतलब पुणे से दुर्ग वापस आए, और ये हमारा तीसरा कैंपेन। हर जगह कैंपिंग ही की? हाँ, हर जगह हमने कैंपिंग की। चलो, वेरी गुड। आपकी गाड़ी हमें बहुत ही पसंद आई। थैंक यू सर। जिस हिसाब से आपने उसको सेटअप किया है, बेयर मिनिमम। दोस्तों, छोटी गाड़ी में भी आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। छोटी गाड़ी बड़ा धमाका, बड़ा धमाका। हाँ, तो चलिए सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको भी बधाई, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगली बार जब मिलेंगे तो क्या खिलाएंगे आप? बोलिए सर, आप तो वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन तो आपके लिए कुछ अलग से वेजिटेरियन डिश बना के। पक्का पक्का, घूमने की इच्छा होनी चाहिए, गाड़ी कोई मायना नहीं रख सकती। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू सर। थैंक यू।